वेलकम टू माय चैनल कबूतर निजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान। दोस्तों हम अकरम भाई के यहाँ घर में हैं, यहाँ रेस्ट कर रहे थे और कबूतरबाजी की जानकारी भी हम सभी को दे रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ खबर फैल रही है लोगों को, तो लोग बाग मिलने आ रहे हैं और अभी मैंने एक वीडियो डाली अभी आपको कि बंदा पूरा दिन सफर करके हमारे पास आया और हमने पूरी रात तकरीबन 3:30 बजे तक उसको जानकारी दी, मगर उनमें से एक भाई कहने लगा भाई मेरे को नींद आने लगी, सुबह करेंगे बातें। हमने कहा भाई हम वो नहीं कि आप आए हो हमसे जानकारी लेने के लिए और हम कह रहे कि हमें नींद आ रही, हम सोचा रहा आपको कि यार हमने पूरा दिन सफर किया इस आदमी के लिए, पूरा दिन सफर किया, ठीक है अब हम रात में हम जानकारी मांग रहे तो ये सोने को कह रहा है, तो उसमें हमारी बेइज्जती है भाई। तो हम किसी को निराश नहीं करेंगे, कोई भी यार आ सकता है यहाँ, हम यहाँ भी कल परसों सुबह को यहाँ से शायद हम निकलेंगे, कल पक्का यहाँ है परसों शायद निकलेंगे, कोई भी मिलना चाहता हो जानकारी लेना चाहता हो ठीक है, ऐसी जानकारी मिलेगी कि वो खुद हिल के गए, ठीक है जो बातें उन्होंने सवाल किए हमने सारे जवाब दिए, वो कहते यार ये बातें तो हमें उस्ताद भी नहीं बताते, इमरान भाई आप कैसे बता देते हो इतनी बातें, कैसे आसानी से हर सवाल का जवाब देते हो आप। तो दोस्तों अगर आप फायदा उठाना चाहते हो ना भाई, चल के इतनी दूर से आपके पास आया है, आप वक्त गवा रहे हो, फिर आप पीछे से कमेंट करते हो इमरान भाई आओ ना ठीक है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से कल पहली तारीख दूसरी तीसरी तारीख में मैं शायद पूना तीसरी तारीख में मैं पूना रहूंगा और चौथी तारीख से क्या कहते हैं बॉम्बे आ जाऊंगा, बम्बई में नेशनल एयरपोर्ट के पास है चिमनपाड़ा एरिया में आ जाऊंगा मैं। 5 और 6 तारीख वहां रहूंगा, 7 तारीख को मेरी वहां से फ्लाइट है, सुबह की फ्लाइट है मेरी, तो 5 और 6 तारीख को आप मेरे को बॉम्बे में मुलाकात कर सकते हो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा ठीक है। तो इसी चाहत में हमारे भाई हमारा स्वागत करने आए थे कि इमरान भाई आप इतनी दूर चल करके इतना लोगों को ज्ञान बांट रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, नॉलेज देते हो, तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से चिकली कितने किलोमीटर पड़ता है, 25 किलोमीटर चिकली पड़ता है, खाली यार ये स्वागत करने के लिए आए, मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी यार, तो कहते नहीं बस चाहत थी हमारी आप इतनी दूर हमारी नगरी में आए चल के, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो ये क्या नाम था आपका, नशु ठेकेदार भाई, तो ये हमारा स्वागत करना चाहते हैं ठीक है, कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। टूर्नामेंट में नंबर है इनका तीसरा, तो ये इनका भी अकोला टूर्नामेंट में, तो ये इनका भी स्वागत करना चाहेंगे। तो हम तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यार, इतनी इज्जत कहाँ मिल रही है, शुक्र उस खुदा का कि हमें इज्जत से नवाजा, हम कहीं जा रहे हैं लोग काफी अच्छी इज्जत कर रहे हैं और हम भी उन्हें नाराज नहीं कर रहे, जहां तक होता है हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो अभी आप कहीं भी आ सकते हो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ हूँ आप यहाँ आ सकते हो, बातों का मैं जवाब दूंगा। तो अभी हमारे नशु भाई ने जो है हमारे अकरम भाई का जो यहाँ के ओकाला के सॉरी टूर्नामेंट जो था यहाँ का बुल्ढाना का, उसमें इनका तीसरा नंबर लगा, इन्होंने का मान सम्मान किया। हमारे साथ फिरोज भाई आए हुए हैं नौगावा से, जो ये बॉर्डर वाले कबूतर बेचने का काम करते हैं। देखो लोगों को फायदा नहीं उठाना आता, कहते ना कि अगर तुम्हारा खुद का दिमाग काम नहीं ना करता है तो सामने वाले पे तो भरोसा करो, कि कोई चल के आया कबूतर लेके आपकी नगरी में, आप कमेंट करते इमरान भाई यार ये यूट्यूब पे बैठ के लोग बाग लूट रहे, 10-10, 20-20 हजार का जोड़ा बेच रहे, 50-50 हजार का बेच रहे, ठीक है जो यूट्यूब पे लोग बाग दिखा के 5 हजार का चपत मार रहे ना, कम से कम कह रहा हूँ 5 हजार का तो लगता है ना ठीक है। यही बॉम्बे महाराष्ट्र वाले मंगा रहे दबा के वहां से, खूब आ रहे वहां से, भाई आपके कहने पे हमारे अकरम भाई ने कहा कि इमरान भाई जब आ रहे हो तो फिरोज भाई को लेते आओ, हमारे डायमंड फिरोज को लेते आओ और ये कबूतर लाएंगे तो यहाँ थोड़ा मार्केट बनेगा इनका और जानवर उनको मिलेंगे ठीक है। तो ये 2000 रुपए पर के हिसाब से बॉर्डर वाले कबूतर आपको यहाँ टैडी गोल्डन और जो 2-4 नस्लें थी वो सब मिक्स करके लेकर के आए ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने वो फायदा नहीं उठाना चाहा जो उठना चाहिए ठीक है, बस उन्होंने खाली वही चीज उठाई कि लाल आंख लाल आंख लाल आंख, गोल्डन गोल्डन टैडी टैडी, बाकी उनके समझ में नहीं आया क्यों, जो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है ना उतने पर्दा उनकी आंख पे है, कहते हैं कि जितनी अकल है ना उतने काम करता है बंदा, अपना दिमाग नहीं दौड़ाता है कि कबूतर के अंदर क्वालिटी क्या है ठीक है। जो हम कबूतर लाए एक भी क्वालिटी में फेल नहीं होता है किसी हड्डी जोड़ में किसी भी मामले में, मगर बंदे अपना दिमाग दौड़ाते हैं खाली, वो कल्चरा गहरा कल्चरा हली गोल्डन उतने दिमाग दौड़ाया, मगर एक बंदे ने सही दिमाग दौड़ाया वो क्या नाम था अखिल भाई, जिन कबूतरों में सबसे टॉप हाई क्वालिटी के रंग के बिल्कुल अलग थे, ना तो वो टैडी थे ना गोल्डन थे ना कसूरी थे ना 35 वाले थे, कुछ नहीं थे, उनका कलर बिल्कुल अलग था
मगर वे अपने पंजों में क्वालिटी में आंखों में टॉप हाई क्वालिटी थे। उन कबूतरों को कोई नहीं पकड़ रहा था, बस सब कलथरा चाहिए, लाल गर्दन का चाहिए, डैडी चाहिए, सब कुछ ऐसी कर देते ना सर। पागल भाई बड़े थे उन्हीं चीज के पीछे, उन्हीं को उठा रहे थे। मगर इनके जो भाई हैं अखिल भाई, कहां थे वे? अमरावती में। एक वही शख्स ऐसा था, उसने उन पांचों कबूतर को सबसे पहले कैच किया और वही सबसे हाई क्वालिटी में तोड़ा लिया, सबसे हाई क्वालिटी उनके अंदर और उनमें हर चीज में। कहते ना लोग खाली आंखों से वो चीज देखते हैं, मगर फिर भी जो भी चीज है क्वालिटी में, हड्डी जोड़ में सब कुछ परफेक्ट ओके चीज थी। ठीक है, वो आ रहे लोग लेके जा रहे, तो अभी हम दो दिन यहाँ है। ठीक है, और हमारे भाई इनका स्वागत करना चाहेंगे कि यहाँ लेकर के आए ऐसी चीज। तो दोस्तों, इसी वीडियो के दौरान हमारे नस्सू भाई जो चीकली से आए थे, चीकली से इन्होंने हमारा सबका मान सम्मान किया, और इनके ये खास मित्र हैं साजिद भाई, ये इनका भी मान सम्मान करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ साथ मुलाकात चली थी। ये भी हमारे साथ तीन दिन से पूरी भागदौड़ कर रहे हैं, अमरावती भी गए, मंगलोर भी गए, और यहाँ भी ये मेहनत कर रहे हैं काफी। तो इनका भी शुक्रिया कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं और लोगों तक हमारी बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये नस्सू भाई थोड़ी इनका स्वागत करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा मान सम्मान हर एक किसी को होना चाहिए। ठीक है, और आपस में बना करके रखनी चाहिए, ये नहीं कि एक का नाम हो रहा है तो दूसरा कन्नी काटे, ये अपना नसल बना रहा तो ये कन्नी काटे, ये न उड़ा रहा है तो वो कन्नी काटे, यार ये नहीं होना चाहिए। तो आपस में मिलजुल के यारी दोस्ती में उड़ाओ और एक दूसरे का इस तरह मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन भाई का कि इन्होंने भाई हमें इज्जत नवाजी और हम आपके यहाँ एरिए में आए। ठीक है, और फिर आपका फिर कमेंट करोगे इमरान भाई हम तो रह गए मुलाकात से। ठीक है, अभी दो दिन यहाँ है, 3 तारीख को यहाँ से निकलेंगे हम, 3-4 वहाँ पुणे में और 5-6 मुंबई में और 7 को हमारी वापसी है। जो भी भाई मिलना चाहता हो इनका नंबर मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, इनसे फोन करके कॉन्टेक्ट कर सकता है, मुलाकात कर सकता है। अभी दो दिन यहाँ हमें बुल्ढाना में, अभी दो दिन है, कोई भी मिलना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, बाकी हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।